सामने के व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तारीख है आज 21 सितंबर 2024, दिन है हफ्ते का, और आज हम मौजूद हैं 28 डाउन पर वर्किंग के लिए लाहौर से लेकर मुल्तान तक। टाइम हो रहा है हमारे पास टाइम 7:44। आज का व्लॉग जो स्टार्ट करते हैं और बाकी बातें आपसे दौरान सफर हूँ जी। ड्राइवर 28 डाउन इंचार्ज गेट कॉलिंग, बिस्मिल्लाह से राइट मूव करें। आ गया हमारा इंजीनियरिंग का सिग्नल, हैंड सिग्नल है ये, और ये हमारा स्पीड लिमिट बोर्ड है जिसमें हमें बताएगा कि कितनी स्पीड लिमिट बोर्ड होनी स्पीड लिमिट होनी चाहिए। और उसके अलावा ये भाई साहब जो है इनको डिप्लॉय किया गया है सिग्नल पॉइंट पे, झंडिया लेके खड़े हुए आगे, बैग वाले भाई साहब नहीं है। आना अपने आप को जाया करने के लिए
तक जुमरा से लूपिंग पास हो रहे हैं, दूसरी तरफ एच बी यू 28038 के साथ 47 अब यानी कि रहमान बाबा खड़ी हुई है, उसके साथ चक जुमरा हमारा क्रॉस है। आज 41 के साथ ZCU 30 लगा हुआ है। जी व्यूअर्स, तो हम अभी मौजूद हैं फैसलाबाद स्टेशन पर। 10:05 पे हमारा अराइवल हुआ था, 10:08 टाइम हो रहा है, यानी कि 2 मिनट हमारे डिपार्चर में बाकी हैं। 41 अब का डिपार्चर सिग्नल डाउन हो चुके हैं और ड्राइवर साहब ने रेडी विसल दे दी है। गार्ड साहब के सिग्नल के साथ ही गाड़ी जो है वो मूव हो चुकी है। दूसरी तरफ GU 49010 के साथ 45 अब जो है वो प्लेटफार्म नंबर 2 पर आकर रुक चुकी है और इसके बाद हमारे डाउन होंगे और अब इंशाल्लाह यहाँ से रवाना होंगे। 45 अब के क्रॉस की वजह से 5 मिनट एक्स्ट्रा होने के बाद 10:15 पे हम चल पड़े हैं फैसलाबाद स्टेशन से। बाबा जी सिग्नल्स की मेंटेनेंस कर रहे जी व्यूअर्स, तो टाइम हो रहा है 11:05 और 1 मिनट के स्टॉप के लिए हम यहाँ रुके थे क्योंकि यहाँ पे इंजीनियरिंग रिस्ट्रिक्शन की तरफ से स्टॉप जो है वो डिप्लॉयड किया गया है। यहाँ पे तमाम जितने भी गाड़ियाँ गुजरती हैं उनको 1 मिनट रुक के तो फिर आगे जाना होता है, तो 1 मिनट रुक के हम गुजरा से चल पड़े हैं। दो मिनट के स्टॉप के बाद हम चल पड़े हैं टोबा टेक्सिंग से और आज का व्लॉग काफ़ी ठंडा है, सो टोबा टेक्सिंग से क्रॉस करने के बाद मैं कुछ आपको कहने वाला हूँ जो इस व्लॉग को थोड़ा सा एक्साइटेड बना देगा। प्लेटफॉर्म क्रॉस करते हैं फिर आपसे कुछ बात करते हैं। जी तो टोबा टेक्सिंग से हम निकल आए 11:33 पे, तो थिंग इज़ जो मैं आपसे बात करने वाला था वो ये थी कि जितने लोग मेरा ये ब्लॉग देख रहे हैं, सो गिव मी अ 30 डेज चैलेंज। टाइम हो रहा है जी हमारे पास 11:55 और हम तकरीबन 50 मिनट लेट पास हो रहे हैं शोरकोट जंक्शन स्टेशन से।
स्पेस टाइम हो रहा है 12:14 और ये GU40 9045 के साथ खड़ी है सर सैयद एक्सप्रेस अब्दुल हकीम पर, अप लाइन अप लूप लाइन पर। हम डाउन लूप लाइन से पास कर रहे हैं। 5 आपके भी डिपार्चर सिग्नल डाउन हो चुके हैं और ये अब्दुल हकीम से रवाना हो चुकी है। AG30 के साथ 17 अप यानी कि मिलित एक्सप्रेस रवाना हो रही है प्लेटफार्म नंबर 2 से खानेवाल के। हमारा अराइवल हुआ है 12:43 यानी कि 12:43 पर और अभी हम वेटिंग में हैं, जबकि दूसरी तरफ 1 नंबर प्लेटफार्म से 5 नंबर 5 अप यानी कि ग्रीन लाइन एक्सप्रेस का डिपार्चर भी हो चुका है। साथ हमारे NLC की पावर के साथ ये एक इकॉनमी की कोच खड़ी हुई, शायद डैमेज है, और उसके अलावा ZBT और गुड्स ट्रेन अटैच है, मिक्स ट्रेन ही है आज। जी व्यूअर्स, तो 12:50 पे हमारा डिपार्चर हो चुका है खानेवाल स्टेशन से। जबकि यहाँ पे डिपार्चर टाइम जो है हमारा वो 12 है, यानी कि 50 मिनट लेट चल रहे हैं फ़िलहाल हम। जी व्यूअर्स, तो 1:35 पर यानी कि 55 मिनट लेट हमारा अराइवल हो चुका है मुल्तान कैंट स्टेशन पर। तो यहीं पे करते हैं अपने ब्लॉग का अख्ताम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, याद करते रहिए, याद आते रहिए, नेक तमन्नाओं के साथ, दुआओं के साथ, वफाओं के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगले ब्लॉग तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमान अल्लाह।